वादी सवात में तालिबान के बढ़ते हुए साए और जमते हुए कदम इलाके के लोगों के लिए खौफ, दहशत और शिद्दत पसंदी का पैगाम लेकर आए। बिलखसूस खवातीन के लिए ये दौर बहुत ही सख्त था, लेकिन पत्थर को पत्थर ही तोड़ता है और इस मकूले को मुसर्रत अहमद ज़ेब ने सच कर दिखाया। पहाड़ों की इस खातून ने अपने पहाड़ जैसे अज़्म, हौसले और हिम्मत को मुजतमे करके इन तारीख अदवार में खवातीन के लिए वोकेशनल सेंटर्स कायम किए, जो इलाके भर की बेवाओं समेत बाकी औरतों, बच्चियों और लड़कियों के लिए इस घुटन ज़दा माहौल में ताज़ा हवा का झोंका थे। हम बहुत खुश नज़र आए हैं, इसलिए कि ये बहुत अरसे बाद हमें ये मौका मिला है। हम अल्लाह पाक से बहुत शुक्रगुजार हैं। ये लड़कियों ने, हमारी लड़कियों ने, हमारी इदारे की लड़कियों ने खुद बनाए हैं अपने हाथों से, तो ये हम पेश करेंगे, इसकी नुमाइश भी करेंगे। ये सेंटर्स न सिर्फ सिलाई कढ़ाई की तरबियत गाह थे, बल्कि ये इनके दुख दर्द बांटने का सहारा भी थे। माशरे में मौजूद ऐसी मिसालें हमारे लिए मायूसी की बजाय तरक्की, उम्मीद और कौम के जिंदा होने का पैगाम देती हैं।